आलू और ये आलू और क्या ठीक है मारते हैं देखो इनको मारते हो नमस्ते ओम नमः शिवाय। तो सुबह के 6:36 अभी हो रहे हैं, नहा लिया है, फ्रेश भी हो चुके हैं और माँ पापा का आशीर्वाद भी ले चुके हैं और घर में पोछा भी लगा चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं दूध लाने के लिए, क्योंकि इसके थोड़ी सी देर के बाद 10-15 के अंदर हमें जाना है बास्केटबॉल खेलना है, जो कि डेरा प्रोल में आज टूर्नामेंट है। और इतना प्यारा इतना सुंदर मौसम है और छत पे सोए थे, काफ़ी मज़ा होता है, छत भी एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है ना। और भैया की शादी है अगले महीने, कुछ दिन बचे हैं, बहुत खुशी है पूरे परिवार में। मम्मी को पहले बहुत चिंता होती थी और आई थिंक सभी जितने भी माँ हैं अपने बच्चे की चिंता होती है कि अच्छे से सेटल हो जाएं, है ना, सब माताओं को होती है। और जब मैं कभी अपने दोस्तों को ऐसे बात होती है तो वो हमेशा मेरे से ये चीज़ पूछते हैं। और फैमिली में सच कहूँ मैंने कभी भी इस चीज़ के लिए कोई ऐसी बात नहीं रखी कि हाँ मेरा भी करवा दो, क्योंकि मेरा भी मेन सिर्फ एक चीज़ है कि मैं अभी और बेहतर बनूं और अच्छा इंसान बनूं, ताकि किसी भी बेगानी दी को अगर मैं घर लेके आता हूं ना तो मैं उसको खुश रख सकूं और मेरी किसी भी कोई ऐसी आदत, चाहे कोई भी किसी तरह की आदत हो, उससे उसको परेशानी ना हो, क्योंकि बाप अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ खुद ही बनना पड़े पहले, तभी किसी का महसूस हो। पहले दूध ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो ब्लॉगिंग भी इसने करनी है, क्योंकि वहाँ पे खेलने चले जाएंगे तो फिर आपको पता है वहाँ पे खेलते हैं इनकेस तो तगड़ा जोर लगता है, फिर ब्लॉगिंग आपको पता है कहाँ पड़ेगी, तो इसीलिए काम के बीच में भी ब्लॉगिंग करें। नमस्ते आंटी जी, ठीक है आंटी जी, ठीक है आंटी जी, बना बना रोटी कोफ्ते, ठीक है आंटी जी, ठीक है बहुत बढ़िया। तो मेरा ये मानना है और प्रभु की कृपा से काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, चाहे सेविंग्स की बात करें या घर बार में, हर चीज़ मतलब जन्नत की तरह, एक सपने की तरह है। जो सपना आज से 6-7 साल पहले देखा था कि मेरी ज़िंदगी कुछ इस तरह से हो, जी रहा हूँ उस ज़िंदगी को, काफ़ी खुशी है, लेकिन अभी भी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और अभी थोड़े से छुटके हैं शादी के लिए, तो मे भी जब सही वक्त होगा हमारे महादेव हमारे प्रभु खुद उन चीज़ों का करवा देते हैं। तो इन चीज़ों में जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के जब काबिल खुद इंसान को पता होता है ना, तो तभी मैं भी मेरा ये सोचना है कि हमें तभी वो चीज़ें उन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए। और फिलहाल अभी मम्मी पापा रसोई में खाना बना रहे हैं, तबली भाई अपने फ्रेश हो रहे हैं और इस डोलू का ढक्कन कुछ इस तरह से ना रोज़ खुल जाता है यार, उसको पीछे करा जाए। आज गाँव में रहते हैं ना, ऐसा समझिए अब जन्नत में, आप गांव में अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो मे भी आने वाले वक्त में आप बहुत आगे तक ग्रो करेंगे, क्योंकि ये चीज़ अभी बहुत आगे तक बढ़ने वाली है। तो फिलहाल ये रहा हमारा रोड। नमस्ते दाऊ जी, क्या लग रहा है दाऊ जी देखना? हाँ, सो खेत खलिहान अभी बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि बारिश नहीं हुई है हमारे यहाँ पे, तो अभी अगली फसल लगाना चाहते हैं तो नहीं लगा पाएंगे अभी हमारे यहाँ पे। और इस बार तूफान से काफ़ी ज़्यादा पेड़ भी गिरे रहे, तो मेरे ही मानना पता क्या होता है, कई बार हम लड़का जैसे लड़की वाले होते हैं ना, लड़का देखते ही नहीं कि कैसा है, बस नौकरी अच्छी है लपेट दो। इन चीज़ों में जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए, मैं तो सबको यही राय देना चाहता हूँ, क्योंकि जितने चीज़ें देखी है ना आसपास, अगर देखो बंदा सही ना हो ना, गलत आदतें हो, शराब पीता हो, नशे करता हो, किसी भी तरह की गलत आदत हो, लड़कीबाजी करता हो,
तो मैं भी वैसे इंसान के साथ, तो मैं भी जो हो मैं भी वो अच्छे से समझ सकते हैं जो मेरे से बड़े हों, जो सच में इस गृहस्थी में हो और जिनका परिवार वाला, घर वाला, घर वाली सही हो, तो उनको पता है कि सब खुशी से रहता है। लेकिन अगर गृहस्थी में दोनों में से कोई गड़बड़ करे तो जिंदगी ना झंडवा और नर्क बनने को देर नहीं लगती है। सच है। बुआ जी, बुआ जी, हाँ। तो ये नन्नू का घर है जो साथ में हमारे पहले वहाँ पर रहते थे। हेलो, हमारी गिक्कू और पिंकी यादव, क्या बोलो। नमस्ते बुआ जी, ठीक है? हाँ जी, ये रहो। नन्नू सुत्ते रहे पक्का ना? हाँ नन्नू सुत्ते रहे, छुट्टी ना संडे इज। हेलो कट्टी बुआ जी, कुछ नहीं कहते जी आपकी बेटी को। मैम देख रहे आजकल गर्मी है ना बुआ जी, का ठंड में ज़्यादा सेहत बनती है कि गर्मी में? गर्मी में थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पाऊँगा खाने पीने रहा ना, क्योंकि हल्का सा कुछ हुआ बीमार। सच में ये चीज़ होती, लेकिन प्रभु की कृपा से सब सही है, सब चोखा सी। और ये देखो इस डॉगी का बच्चा छोटा। हेलो, इधर तो सारा वगैरह बुआ जी। हेलो आचू, ये पार नहीं आता, अगर पार आएगा तो इसको रोटी खिलाया करूँगा। हाँ जी, मारते हैं देखो इनको, मारते हो छोटू सा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। इधर देखो पिद्दू, दूध है इसके अंदर, दूध है, दूध 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 है बच्चू। चल 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 ना मेरे घर, तो चल पड़, बड़ा डॉगी है उधर लेके एक, चल चलेगा मेरे साथ। चल, 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 चल। आ जा। ठीक है वो जी, नहीं दिल लगाए रखे हैं। आई गया तू, चल आ जा, आ जाओ, इसने आना मुझे लगा, आ जाओ आ जाओ, चल आ जा। एक तो यहाँ पे डॉगी छोड़े होते हैं ना सुबह, रास्ता देख देख के चलना पड़ता है, पूरे पॉटी से भर दिए होते हैं, ये नहीं आएगा। आ जाओ, आ जाएगा तो खाना खिला के भेजेंगे इसको अच्छे से। इसको तो मैं अपने हिस्से का दूध भी दे के पिला दूंगा, बच्चे है ये, है ना। मे बी शायद अभी भैया लेट हो जाते हैं हमारे, क्योंकि 7 बजे मैच बोल रहा है। तो देखो मैं तो तैयार हूँ, पहले क्यों मैं उठा, मैंने अभी भैया को फ़ोन करा, फिर मैं काम पे लग गया, फिर मैंने देखा अभी भैया का फ़ोन आया था, फिर मैंने कॉल करा तो भी भैया काम पे लगे थे। तो इस तरह से करते करते लंबा हो गया सिस्टम। तो आपके क्या विचार हैं शादी के ऊपर, ज़रूर आज कमेंट करके बताइएगा, है ना। अच्छा यार, हर चीज़ के लिए जिम्मेवार बनो, फिर उस जिम्मेवारी को संभालो, अच्छा होगा। अगर उस जिम्मेवारी के लायक नहीं है ना, और वो चीज़ हमें मिल जाती है, तो कड़ाई होना फिर तिथि था, सही कहा ना। सो फिलहाल प्रेम से बोला जाए, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। खुश रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि ज़िंदगी है दो पल की, कष्ट दुख दर्द पीड़ा बहुत है, क्योंकि ये दुखालय है। दुख, ये चप्पलें क्यों देखी देखी सी लग रही हैं मुझे, शायद ये मम्मी की तो नहीं है, पता नहीं, मम्मी से पूछना पड़ेगा, पता नहीं ऐसा ना किसी और की लेके चले। ये क्योंकि मुझे घर में दिखी थी, इसका आदमी पटक छूट गया है तो गूंज से चिपक जाए। मम्मी जी, मम्मी जी, ए मम्मी, ये चपला ही कुछ रही है। अरे थिरक दो, अरे तो मुझे अरे कह रहे हैं जो श्री मुझे का।
आ रहे मैं अच्छे मैं मेरे होंगी कुत्ती लेन चली जाऊंगी मैले कुत्ती लेन दूंगी अरे मैले हाँ चिपके नहीं देखो मुझे तो लगा हमारी लेकिन जब बापक रिटायरमेंट शायद कोई भूल के चप्पलें भूल के चला गया हे प्रभु क्या क्या होता रहता है लेकिन किसी की थी कल चलो मैं भी कभी ना कभी कोई ना कोई आएगा किसी को दे देंगे ऐसे क्यों फेंकना है ना ग्रह मेरे प्रभु के आगे कुछ नहीं है नहीं जगह तो बच्चे मम्मी आ रही मम्मी तो घर खिर ही आए हैं मैंने कुत्ती लेने आई होंगी बेचारी कुत्ती चक्की ने नहीं है बनाओ मम्मी मैं जाके आता हूँ ठीक है आशीर्वाद जीत के आता हूँ मैं खाना नहीं खाना हार के आता नहीं हल्ला नहीं खाना रोटी खाने जाए ठीक है लव यू भाई साहब चलते हैं ठीक है बाय बाय ठीक है चलो 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 मैच खेल के आते हैं अरे कुछ नहीं आया नहीं खाता मम्मी जी खा खा लेंगे खाई जाए तो रोटी जी लगे खाएंगे अगर मैं तो बिल्कुल चलिए और खुशी से जय माता